हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल सीएस स्टूडियो बाय टेल न्यूज़ पर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स इंडोर फोटोग्राफी में। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो है फेस टचिंग करने के दौरान हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को तो एंड तक जरूर वॉच करना है। लाइक तो आपने कर दिया होगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और चले स्टार्ट की करते हैं आज की वीडियो को। तो जो इमेजिंग आपको फर्स्ट में आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर मिक्सर ब्रश टूल के बारे में, आपको उसकी सेटिंग्स की जो वीडियोस है और फेस टचिंग की वीडियो है वो आपको नीचे मिल जाएगी, लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में होगी, वो भी चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं मिली तो यहाँ पर आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, आपको हर किस्म की एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट हमने ये देखें, हमने इम्पोर्ट की हुई है पिक्चर और मैंने यहाँ पर एक कॉपी बना ली है। कैमरा फिल्टर ओपन करेंगे और इसको थोड़ा सा हाईलाइट वगैरह और शेडो वगैरह इसका थोड़ा सा तेज करेंगे, जिससे यहाँ पर हमारे पास फेस में बहुत ही अमेजिंग सा ग्लो आ जाता है। कैमरा फिल्टर ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमने दो तीन चीजें जो है मेन रखनी है। फर्स्ट हमने हाईलाइट को बिल्कुल कम कर देना है, तो आपके पास इस तरह का कुछ ये देखें फेस में कुछ अमेजिंग सा कलर बन जाता है। और शेडो को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, इसी तरह व्हाइट्स को हल्का सा बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमारा फेस हल्का सा ग्लो होगा और हाईलाइट इसके डाउन होंगे, ये देखें इस तरीके से। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ओ टूल से डॉज टूल से यहाँ पर हमने इसको हाईलाइट करना है, बट उससे पहले यहाँ पर एक कॉपी बना लेंगे। कॉपी लाजमी बना लीजिएगा ताकि कोई भी मिस्टेक हो आप उस लेयर को फौरी डिलीट करके दोबारा वर्क उस पर स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पर मैं ओ टूल ले लेता हूँ, ओ प्रेस करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास डॉज टूल आ जाएगा। तो ये करने के बाद हमने ये देखें ओ टूल मैंने ले लिया है और उससे यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर देखें आप किसकी सेटिंग्स में हाईलाइट आपने सेलेक्ट करना है और एक्सपोयर इसका रखें आप 6 पे या 5 पे। और हमने यहाँ पर देखना है कि हाईलाइट प्लेसेस कौन सी हैं, इनको हल्का हल्का और हाईलाइट करना है ताकि फेस पे हमारा जब टचिंग करें तो अमेजिंग सा ग्लो बन जाए। तो यहाँ पर मैं इस साइड पे हल्का हल्का इसको ग्लो करूंगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर नोज पर ये हाईलाइट लाइन जो है इसको हल्का सा हाईलाइट करूंगा, इसी तरह यहाँ पर हेड के ऊपर। तो ये चीजें मैंने जो है हाईलाइट की हैं, इस तरफ भी ये हल्का सा कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर हल्का हल्का मैंने हाईलाइट किया है। इन हाईलाइट करने के बाद तीनों लेयर्स को मर्ज कर लेंगे और हम बना लेंगे यहाँ पर एक कॉपी। अब हमने करना है मेन चीज जो है मिक्सर ब्रश टूल, जो हमारा मेन टूल है जिससे हमने रीटचिंग करनी है। तो उससे पहले आपने यहाँ पर कलर सेलेक्ट लाजमी कर लेना है, हमने अपना स्किन का कलर लाजमी सेलेक्ट कर लेना है। आई प्रेस करेंगे, ये टूल आ जाएगा हमारे पास आई ड्रॉपर टूल, इससे यहाँ पर फेस का कोई भी अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद आपने सिंपली मिक्सर ब्रश टूल ले लेना है और उससे हमने अपने यहाँ पर फेस की सारी रिटचिंग करनी है। रिटचिंग का बहुत ही ख्याल रखना है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स वगैरह आपको दिख रही होंगी, बकायदा इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनी हुई है, वो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो आपने चैनल विजिट करना है और सारी वीडियोस चेक करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं जो है स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर दो तीन चीजें आपने जो है जेरे गौर करनी है कि ब्लैक जो जगह होती है उनको अंदर ही अंदर मिक्स करना है, उनको एक साइड पे नहीं लेके आना, जिस तरह यहाँ पर ये मैं पकड़ता हूँ और इस तरह अंदर ले आता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर एक ब्लैक कलर की लाइन बन जाती है, हमने यहाँ पर व्हाइट को इस तरफ लेके जाना है ताकि हमारा जो है ब्लैक एरिया भी जो है व्हाइट हो जाए और हम सारा इसको व्हाइट कवर कर लें। ये देखें हमने रिटचिंग कर ली है फेस की बहुत ही क्लियरली, आपको जितनी भी चीजें बताई थी आपने श्योर आपको जो है समझ आ चुकी होगी।
ये देखिए यहाँ पर लाइन बनाई थी, ये भी हाईलाइट में है, यहाँ पर बनाई थी, ये भी हाईलाइट में है, और सारा यहाँ पर हमारा फेस भी मिक्स हो चुका है, लिप्स भी मिक्स हो चुके हैं, उसके अलावा गर्दन भी मिक्स हो चुकी है और सारा चीजें मिक्स हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है, एक कॉपी बना लेनी है और कैमरा फिल्टर ओपन कर लेंगे, उसमें इसको थोड़ा सा कलर वगैरह करेंगे इसके ऊपर। तो फिल्टर में चलते हैं, कैमरा फिल्टर ओपन कर लूंगा मैं, और यहां पर सबसे पहले मैंने हाईलाइट जो है इसको कम करना है हल्का सा, और शेडो को बढ़ाऊंगा, और इसी तरह व्हाइट्स को बढ़ाऊंगा हल्का सा, और कंट्रास्ट थोड़ा सा मैं डाउन कर लूंगा, और इसी तरह क्लैरिटी यहां पर मैं दे देता हूं। क्लैरिटी देने के बाद यहां पर एच एस एल एडजस्टमेंट में चले जाएंगे, फेस का कलर हल्का सा व्हाइट करेंगे यहां पर, और व्हाइट करने के बाद क्योंकि रेड है यहां पर हमारे पास स्किन का भी है और लिप्स का भी है, इसको भी हल्का सा व्हाइट करेंगे और साथ ही इसको हल्का सा बढ़ा देंगे रेड की सैचुरेशन। बढ़ाने के बाद हमने यहां पर अब चले जाना है कैलिब्रेशन में, कैलिब्रेशन में हमने यहां पर कुछ सेटिंग्स हैं, यहां पर हम जो रेड का शेडो है इसको बढ़ा के ब्लू को कम करेंगे, और इसी तरह यहां पर ह्यू जो है ब्लू प्राइमरी का इसको हल्का हल्का हमने सेट कर लेना है। तो देखिए आपके सामने कितना ही डार्क एंड शेडी और मुड़ी कलर का यहाँ पर फेस मैंने बनाया है बिल्कुल अभी आपके सामने। अगर आपको व्हाइट चाहिए, अगर आपको यहाँ पर स्किन जो है व्हाइट चाहिए, अपना फेस व्हाइट चाहिए, तभी आपने यहाँ पर सिंपली सिलेक्टिव कलर ओपन कर लेना है, और रेड कलर जो है इसको हमने यहाँ पर रेड को थोड़ा सा कम कर लेंगे, और यहाँ से कयान को हल्का सा कम कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास फेस व्हाइट हो जाएगा, बट हमने यहाँ पर जस्ट फेस को ब्लैक रखना है, डार्क एंड मूडी ये देखें जिस तरह बना हुआ है, बट अभी यहाँ पर सिलेक्टिव कलर लेंगे और व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पर ब्लैक कलर को जो है कम करके यहाँ पर ये सेटिंग्स करनी है। तो देखिए फेस की रिटचिंग, उसके बाद कलर ग्रेडिंग वगैरह सारी अभी आपके सामने की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल अगर विजिट करेंगे तो आपको हर किस्म की वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बेहतरीन एडिटिंग सीखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, हाँ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।